हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज की वीडियो में लेके आए हैं नई एक्सेसरी गोडॉक्स लाइट्स के लिए। इसका नाम है फर्नेल लेंस अटैचमेंट फॉर COB लाइट्स और मॉडल नंबर है FLS8। 8 इंचज़ जो है इसका डायमीटर है, तो उस हिसाब से इन्होंने इसको डिज़ाइन करा 8 इंचज़ डायमीटर में। तो फर्नेल लेंस के अंदर क्या होता है कि जो आप लाइट का बेसिकली स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें एक लेंस टाइप मैकेनिज्म होता है जिसमें आप रोटेट करके अपने लाइट के स्प्रेड को 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के उस पर डायमीटर के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। 10 डिग्री से 40 डिग्री उसका बेसिकली आपका वो हो जाएगा स्प्रेड। और इसके अंदर जो इफेक्ट आता है बेसिकली सनलाइट जैसा इफेक्ट आता है, तो सिमुलेटेड सनलाइट इसे बोलते हैं। तो पुराने ज़माने से चलती आ रही है चीज़ें, तो इन्होंने अब COB लाइट्स के लिए भी सेम बना दिया। तो क्योंकि गोडॉक्स की COB लाइट सारी बोवंस माउंट किया, तो बोवंस माउंट ही बनाया ताकि किसी भी लाइट पे आपका लग जाए। और बाकी इसको रोटेट कर सकते हैं हम, रोटेट करके उससे इसका फोकस भी एडजस्ट होगा जिससे इसका स्प्रेड एडजस्ट होगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसमें ये भी होता है कि जैसे जितना जितना आप वो करोगे इसको फोकस, तो उतना ज़्यादा लाइट का आउटपुट भी बढ़ता है। तो इस पर जो कंपनी ने लिखा हुआ है इसमें 3 टाइम्स, अगर 10 डिग्री पर रखोगे तो 3 टाइम्स आउटपुट पावर हो जाएगी आपकी जो नॉर्मल होती है उससे लगाने के बाद। और अगर आप पूरा ज़्यादा उसको जूम कर दोगे 40 डिग्री पे, तो तब इसका आपका 19 टाइम्स हो जाएगा। तो वो मेजर करने के लिए लाइट मीटर चाहिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको इफेक्ट में आपको दिखा दूंगा लाइट पे इसको लगा के कुछ, तो आपको वीडियो में पता चली जाएगा कि हो रहा है नहीं हो रहा। मेन तो स्प्रेड कंट्रोल है, बाकी आउटपुट कंट्रोल भी है ही है। तो ये फोटो वीडियो दोनों में काम आ जाता है जब आपको हार्ड लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट के ऊपर हार्ड लाइट तेज़ लाइट मारनी है और स्टैंड आउट कराना है स्टेज पे, या कभी ऐसे सिचुएशन है कि पूरा अंधेरा है तो उस पर स्पॉटलाइट टाइप इफेक्ट देना है, तो हार्ड लाइट में इसका यूज़ आएगा। बस बाकी तो इसको एक बार अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कंटेंट्स क्या इसका, इसको यूज़ ही कर लेंगे क्योंकि ऑन लोकेशन की आइटम है, तो इन्होंने बैग के अंदर ही दिया है इसको। बैग के अंदर आता है अच्छे से बैग, और राउंड शेप का बैग है क्योंकि इसकी शेप ही राउंड है, तो प्रीमियम क्वालिटी के बैग के अंदर दिया है। ये इसकी मैनुअल हो गई, ये है प्रोडक्ट, ये मैं आपको बताया था। आगे ग्लास लगा हुआ है और ये पीछे बोवंस माउंट है। इसके बाद इसको यहाँ से रोटेट करेंगे जब, तो इससे इसका स्प्रेड कंट्रोल हो जाएगा लाइट का। डिग्रीज यहाँ लिखी हुई है 10 डिग्री, जब बाहर निकालोगे 10 डिग्री, और जब उसके बाद चेंज करोगे तो 40 डिग्री या 10 डिग्री, वो करके देख लेंगे अभी। अभी पहले मैं इसको नॉर्मल पोजीशन पे कर देता हूँ। इस पर बांडोर भी अलग से अटैच हो सकते हैं और कंट्रोल करने के लिए। फिलहाल इसे बांडोर हमने मंगवाया नहीं है, सिर्फ यही मंगाया, बांडोर इसके अलग से आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो अब इसको लाइट पे माउंट करके देखते हैं, फिर इससे आपको स्प्रेड का आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर इसमें पीछे से जाके स्पेस दे रखी है ताकि हीट जो कैप आई जनरेट होगी यहाँ से निकल जाए, क्योंकि आगे से तो शीशे से बंद है, सारी हीट यहीं से एस्केप होगी इसके अंदर, और एक खुद भी गर्म हो ही जाएगा क्योंकि मेटल का है सारा, कुछ पार्ट प्लास्टिक का है। तो देखते हैं अब इसको यूज़ करके। तो इसको लगाने से पहले एक बार आपको बेयर लाइट का इफेक्ट दिखाते हैं। बेयर लाइट अभी हमारे पास है गोडॉक्स की 190 वॉट वाली बाई कलर लाइट जो आती है इनकी LA150BI, तो उसको फुल पावर पर एक बार आपको 4000 केल्विन पर चला के दिखाते हैं। जो बेयर लाइट होगी वो भी हार्ड होती है, लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं होता, लाइट पूरी फैल के आती है, तो सब्जेक्ट पे डायरेक्ट नहीं डाल सकते, तो ड्रामेटिक पोर्ट्रेट या वीडियो आप नहीं बना सकते, स्पॉटलाइट नहीं आएगी। तो अभी एक बार ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए, तो ऐसा नहीं है कि लाइट हार्ड नहीं है, लेकिन बस कंट्रोल नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैल रही है। और अब इसके ऊपर इसी सेटिंग्स के ऊपर हम हेड को लगाएंगे जिससे लाइट थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी और देखने लायक हो जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा आंखों में लग रही है, उससे थोड़ी सी सॉफ्ट डिफ्यूज भी होती है ग्लास से और कंट्रोल बेटर हो जाता है। तो अब हमने अटैच कर दिया इसको, जैसे आप देख सकते हैं अब ऑफ है लाइट। अभी इस लेंस को अभी कुछ नहीं छेड़ते, सिर्फ सीधा सीधा इसको ऑन करते हैं, फिर इसको फ्लड और स्पॉट पे रोटेट करके देखेंगे जिससे लाइट का स्प्रेड आपका चेंज हो जाएगा। पहले लाइट ऑन करते हैं, तो वाओ, तो इससे जो लग रहा है और फोकस सी लाइट आ रही है, तेज आ रही है। अभी स्प्रेड जो आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट इधर तक तो खत्म हो गई, सिर्फ इस एरिया में आ रही है। अब इसको रोटेट करके इसके स्प्रेड को देखते हैं कि कैसे कैसे चेंज होता है। ये रोटेट हो रहा है,
ये देखिए अब रोटेशन होने से अभी और नैरो हो गया बीम का स्प्रेड, अभी नैरो हो गई है, तो नैरो में सिर्फ फेस फेस पे आपको मेरी मैक्सिमम लाइट आ रही होगी, इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ उसको, और हीट भी इसकी दूर तक आ रही है काफ़ी, क्योंकि ये हो गया आपका 40 डिग्री, इसमें जो कंपनी कहती है इसका 19 टाइम्स आउटपुट हो जाता है फोकस पे, और ऐसे ही अब जब वाइड करेंगे तो वाइड में 3 टाइम्स हो जाता है, लेकिन कंट्रोल हो जाती है लाइट। ये अभी वाइड हो गया, विद अब वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है, तो ये है इसकी एडवांटेज मेनली, ये लाइट कंट्रोल हो जाती है, हार्ड की हार्ड रहती है, लेकिन आप इसका स्पेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और अब प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ इसकी, क्योंकि थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट है, थोड़ा सा महंगा है, इसकी जो प्राइसिंग है वो है 13,000 रुपये। तो जो अगर आपके पास बड़ी लाइट्स हैं उस पर आपको और पावर चाहिए और कंट्रोल चाहिए तो उस पर आप ले सकते हैं, छोटी लाइट पर कोई रिकमेंडेशन है नहीं इसके लिए, क्योंकि छोटी लाइट वैसे सस्ती होती है तो लाइट से भी महंगा हो जाएगा, तो हाई एंड लाइटिंग के लिए है ये, अप टू आपकी जो गोडॉक्स की 300 वॉट तक आती है, SL 300 तक ये कंपैटिबल है, उसके बाद 600 वगैरह के लिए इसका FLS 10 वर्जन आता है, क्योंकि उसके लिए और बड़ा चाहिए तो वो उसके लिए वो और महंगा आएगा, अभी फ़िलहाल जो नॉर्मल मार्केट में 50,000 तक की लाइटें उसके लिए सही है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे ले सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर से, और वह कोरियर भी ऑर्डर कर सकते हैं, प्राइसिंग मैंने आपको बताई दी, यूज़ भी बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय।